SSCGD 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 17 जुलाई 2021 से प्रारंभ हो चुकी है और मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा कि आपको किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। एक्चुअली कुछ कारण इस प्रकार से हो गए हैं कि हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हमें अगर यहाँ पे SSCGD का हम ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट और हमारा जो परमानेंट एड्रेस यानी कि जाति प्रमाण पत्र और स्थायी प्रमाण पत्र जो हमारे होने चाहिए वो केंद्र सरकार के होने चाहिए। अगर हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नहीं है तो हमें उसके लिए अप्लाई कर देना है और कुछ समय के लिए वेट करना है, यानी कि 2 से 3 दिन के अंदर वो आपका बन के आ जाएगा और जब वो आ जाए तभी आप फॉर्म को अप्लाई करें। और मेरी एक और भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अभी जल्दबाजी ना करें, 1-2 दिन के बाद ही अपना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया करना स्टार्ट करें तो ज्यादा सुइटेबल रहेगा, क्योंकि हर एक चीज को समझ लेना बहुत कंपलसरी होता है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। जैसे कहते हैं ना, गेम इज अ चेंज ओवर, बट बस डिपेंड करता है कि जो नोटिफिकेशन है उसे भलीभांति पढ़ें, हर एक इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर वे में देखें, समझें, कोई कहीं भी कंफ्यूजन हो तो किसी ना किसी से परामर्श जरूर ले लें। और आज का तो सबसे महत्वपूर्ण साधन आपको हो चुका है कि आपको यूट्यूब कर लेना है या गूगल कर लेना है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रह सके। और सेंट्रल के सर्टिफिकेट लगाना कंपलसरी है, स्टेट के सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं फॉलो होंगे। अगर आप लगा भी देखते हैं तो बाद में आपको उसका रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा। और जो सामान्य कैटेगरी में आते हैं यानी जनरल कैंडिडेट और जो EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं वो बनवा लीजिएगा, ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके। नंबर ऑफ पोस्ट पर डिपेंड नहीं करना है, क्योंकि वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ गया है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, तो पोस्ट पर मैटर नहीं करता है। पोस्ट जो है वो अपडेट होती रहती है, हो सकता है कि पोस्ट थोड़ी और बढ़ा दी जाए या थोड़ी बहुत कम भी की जा सके, लेकिन कम करने की तो कोई चांस बनती नहीं है, पोस्ट थोड़ी बहुत बढ़ाई ही जा सकती है। तो हमें नंबर ऑफ पोस्ट पर डिपेंड नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है, अपना ऑनलाइन आवेदन सही तरीके से कर देना है और उसका एक हार्ड कॉपी अपने पास रख लेना है, और उसके बाद हमें अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में कंटिन्यू कर देना है। एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बता देना चाहूंगा, नेगेटिव मार्किंग होनी है, SSCGD है, ऑनलाइन एग्जाम भी होना है, तो इसलिए ज्यादा टेंशन ना लेते हुए जितना भी पढ़ें स्पीड प्लस एक्यूरेसी पर फोकस रखें और टॉपिक वाइज चीजों को समझने का जरूर प्रयास करें, क्योंकि अभी आपके पास इसमें समय मिलने वाला है। उम्मीद है कि अक्टूबर के आसपास कहीं इसका एग्जाम होगा। चलिए नई अपडेट के साथ पुनः जुड़ेंगे, फिलहाल आज के सेशन को रखेंगे यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।